समझते हैं ऑब्जर्व so, करें तो इनका जो कंटेंट होगा क्रोमोजल कंटेंट इट इज गोइंग टू बी सेम एज ऑफ द पेरेंट सेल एंड आल्सो वन पेरेंट सेल गिव सेल्स तो इस तरीके का जो डिवीजन है ये हम ऑब्जर्व करते हैं इन द सोमैटिक सेल्स जो भी सोमैटिक सेल्स होंगी ऑर्गेनिजम्स में स्पेसिफिकली जो यू हैं वहां पर हम माइटोसिस का प्रोसेस देखते हैं अब नेक्स्ट यदि हम मियोसिस की बात करें तो ये ऐसा टाइप का सेल डिवीजन है जहां हम रिडक्शनल डिवीजन ऑब्जर्व करते हैं इसका मतलब क्या है यदि हम डॉटर सेल्स को देखेंगे तो हम पाएंगे कि इनका जो क्रोमोजोमल कंटेंट है इट इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द पेरेंट सेल एंड ऑल्सो वन पेरेंट सेल गिव राइज टू फोर डॉटर सेल्स तो इस तरीके का डिवीजन जो है वो हम ऑब्जर्व करते हैं इन द रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी जो गैमिट्स हैं उनमें जो डिवीजन होता है दैट इज ऑफ मियोसिस अब ऑप्शंस को देखते हैं फर्स्ट हमें कह रहा है मेरी स्टेम एंड गैमिटेंजिया तो ये जो है बिल्कुल करेक्ट है बिकॉज जो मेरी स्टेम है ये सोमैटिक है एंड गैमिटैंजिया जो है ये रिप्रोडक्टिव सेल है नेक्स्ट हमें दिया हुआ है गैमिटैंजिया एंड मेरीस्टेम तो ये उल्टा करके दे दिया है इसलिए दिस इज इनकरेक्ट थर्ड हमें दिया हुआ है परमानेंट टिश्यू एंड सेक्रेटरी टिश्यू तो टिश्यूज जो है ये सभी सोमेटिक टाइप में आते हैं तो इनमें मियोसिस नहीं मिलेगा एंड लास्ट भी हमें ऐसे ही दिया है सेक्रेटरी टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू तो ये भी इनकरेक्ट है यानी क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए दैट इज मेरी एंड कैमिटें थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप विजिटिंग अ प्लेटफॉर्म एंट्रेंस टेस्ट डॉट ऑनलाइन फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो